स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे कैंडी फ्रेंड्स। कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि मैथ के पे एक वीडियो बनाओ। तो आज का ये जो मैथ का वीडियो है वो प्रो पोर्शन पे है, जो टेस्टों में पोर्शन आता है प्रो पोर्शन का, रेशो का। तो आज ये प्रो पोर्शन पे है। तो जिस टाइप के सवाल आते हैं वही टाइप में इसमें वीडियो में दो टाइप के सवाल आते हैं तकरीबन, उसी टाइप के मैं आज दोनों टाइप की जो है ना वीडियो उसमें बनाऊँगा। और इसी तरीके से कैसे सॉल्व करना है विद इन फ्यू सेकंड, ट्रेडिशनल मेथड नहीं अप्लाई करूँगा, सिर्फ ट्रिक के साथ आपको सॉल्व कराऊँगा कैसे सॉल्व करना है विद इन फ्यू सेकंड। आप देखें सवाल पढ़ते हैं, सवाल कौन सा है, सवाल है इस टाइप के सवाल आते हैं तकरीबन, आपने देखे भी होंगे। चोलिव रेशो 48, प्रोपोर्शन 72, रेशो ए, या क्वेश्चन मार्क आता है, या कोई भी मतलब आता है, डिजिट्स आता है, या कोई भी अल्फ़ाबेट्स का नंबर आता है अल्फ़ाबेटिकल है, तो ए का वैल्यू मालूम करें। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है इसको, तो बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी है कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ लिखने हैं टोलिव रेशो 48 प्रोपोर्शन 72 रेशो ए। आपको तो पता है बार बार वाले को मल्टीप्लाई होता है, अंदर अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, पर ट्रेडिशनल मेथड से बहुत टाइम लंबा हो जाता है अगर अब मैं सॉल्व करूँगा। शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है आपने। तो रेशो ए प्रोपोर्शन 48 72, क्या करना है, डायरेक्टली यहीं से काटो बस। क्या करना है, 12 को 48 से काटना है, कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है, 4 जो बचे ये क्या करना है आपने, ये आप इससे मल्टीप्लाई करो, 72 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट यहीं से, बस आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 288 आएगा आंसर, 288, ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये इसका आंसर है। बस सिंपल तरीका, इजी तरीके से इस टाइप का सवाल आए तो आपने ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन सा नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है के टू, नेक्स्ट सवाल है 27 रेशो ए प्रोपोर्शन 43 रेशो 54 है, तो ए का वैल्यू मालूम करें। इसको सवाल कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स, सेम प्रोसीजर है, सेम ट्रिक है वही। सबसे पहले क्या करना है, 27 ए सवाल को उतारो पहले मुकम्मल, 43 54, ठीक हो फ्रेंड्स, बार बार वाले को, अंदर अंदर वाले को, ठीक होगा फ्रेंड्स। तो डायरेक्टली 27 इस टाइप को डायरेक्टली अप्लाई करो, बस जैसे ही उतार मल्टीप्लाई, इस टाइप के सवाल को ऐसे सवाल करो डायरेक्ट, छोड़ो ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करेंगे तो टाइम ही निकल जाएगा, वैसे टाइम होता भी नहीं। तो सॉरी, यहीं से चलो मैं लिख लेता हूँ अगेन, 54 ठीक हो गया। क्या करना है, 27 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 43 मल्टीप्लाई 54, ठीक हो गया फ्रेंड्स। क्या करना है, यहीं डायरेक्ट काटो बस इधर से, 23 को 54 से कट रहा है, कितनी बार, 2 बार कट रहा है, ठीक हो गया। क्या करना, 2 से क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर बार 86, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर है। आई होप को ये आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।